हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया एंड यू आर वाचिंग प्रियाज डेकोर मंत्रा। आज के वीडियो में मैं सीलिंग लैंप बनाने वाली हूँ। इसका रेफरेंस मुझे ऑनलाइन मिला था। मैं ऑनलाइन सीलिंग लैंप सर्च कर रही थी तो मुझे ये लैंप दिखा और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि इसका डिज़ाइन थोड़ा यूनिक लगा मुझे। बट इसका कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज़ था, जो फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे वर्थ नहीं लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका DIY किया जाए। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इसे बनाने में मुझे बस थोड़ी सी मेहनत और 300 to 400 रुपीज़ लगे। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस टाइप का DIY वीडियो आपको YouTube पे दूसरा नहीं मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसे बनाने के लिए मुझे इन सभी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी है। और इसमें जो पहला आप जो मैं दिखा रही हूँ आपको, यह है कार्डबोर्ड। इसे मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि ये कार्डबोर्ड थोड़ा सा आप मोटा ही लें, क्योंकि आपको इससे बेस स्ट्रक्चर बनाना है और वो बेस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके बाद जो मैंने बॉल लिया है उसका डाया है 6 इंच, और इसके साथ में मैंने कुछ लिए हैं रिंग्स। इसके बाद जो रिंग ली है उसका डाया है 8 इंच, और एक और रिंग ली है उसका है 12 इंच। सो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप बॉल और रिंग खरीदें तो इनका जो डायमेंशन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो तभी आपका जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट बनेगा। और साथ में मैंने इसमें जैसो भी लिया है। ये मैंने इट्सी बिट्सी से ऑर्डर किया था। इसका मैंने शॉपिंग हॉल शेयर किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। इस तरह से कार्डबोर्ड पर मैंने 20 सेंटीमीटर का मार्क करके इसे कट कर लिया है। इसे आपको बॉल के शेप के अकॉर्डिंग सिलेंड्रिकल वे में स्टिक करना है। तो सबसे पहले आप इसे स्टेपल कर लीजिए रेफरेंस के लिए, और देखिए कि ये आपके बॉल पर टाइटली फिट होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये इस पर टाइटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपको परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाए तो आप इसे ग्लूगन की हेल्प से स्टिक कर लीजिए। अभी मैंने जब इसे देखा तो इसका डायमेंशन मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, तो मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है। नाउ इट्स अराउंड 10 सेंटीमीटर। ये मेज़रमेंट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट बने। डायमेंशन फिक्स होने के बाद इसे आप स्टिक कर लीजिए। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद इस पर मास्किंग टेप लगा दीजिए। इसके बाद आपको हमारे पूरे बेस स्ट्रक्चर पर जैसो अप्लाई करना है। अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप POP का पेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जस्ट POP में वाटर मिक्स करना है और उसका इस तरह से थिक पेस्ट बनाना है, और ब्रश की हेल्प से हमारे बेस स्ट्रक्चर पर अप्लाई करना है। इसके बाद इसे ड्राई होने दीजिए, और आप ये देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसके बाद जो इसका बैक एंड है उस पर आपको सेम कार्डबोर्ड का पीस लगाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे स्टिक नहीं करना है, आपको जस्ट इसे फिट करना है, और ये टाइटली फिट करना है, ये ध्यान में रखिए। और ये हम इस तरह से क्यों फिट कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगी, बट आप ध्यान रखिए कि इसे ये स्टिक नहीं करना है। तो नेक्स्ट मैंने ये ब्लैक चार्ट पेपर लिया है और इस पर मैं फेदर का कटआउट बनाने वाली हूँ। इसका जो डायमेंशन है इट इज़ अराउंड 12 सेंटीमीटर, और ऐसे मुझे टोटल 50 पीसेस बनाने हैं।
इसकी जो क्वांटिटी है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप अपने डिज़ाइन को ज़्यादा डेंस बनाना चाहते हैं तो आप बहुत से पीस लगाइए, अदरवाइज़ 50 पीसेस भी काफ़ी हैं। इसके बाद मैंने लिया है वुडन स्क्रूअर, इट्स अराउंड 13 इंच, और इसके एक एंड पे मैं अपना कटआउट स्टिक कर दूंगी और इस तरह से इसके ऊपर दूसरा कटआउट भी स्टिक कर दूंगी। तो आप ये ध्यान रखिए, एक स्क्रूअर में आपको 2 पीसेस लगे हैं और ऐसे मैंने 25 पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बेस स्ट्रक्चर था जिस पर हमने कार्डबोर्ड लगाकर एक स्ट्रॉन्ग लेयर बनाई थी और जिसे चिपकाया नहीं था, इस पर हम हमारे जो वुडन स्क्रूअर्स वाले डिज़ाइंस हैं इसे लगाएंगे। ये देखिए, आपको 1 by 1 पहले सिर्फ 4 स्क्रूअर्स को लगाना है, 4 different directions में। इससे आपको आपके डिज़ाइन का बेस मिलेगा। जब ये सारे अच्छे से फिट हो जाएं, उसके बाद आप इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लीजिए। तो इस तरह से प्रोसेस फॉलो करने से ये 3 तरह से आपके डिज़ाइन को सपोर्ट करेगा और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रक्चर बनेगा। तो टॉप पर आपने ग्लू लगाया है और साथ में ये 2 वॉल्स है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड की है, तो इस तरह से आपका डिज़ाइन रिजिड रहेगा। इसके बाद इसे सेट होने के लिए रख दीजिए थोड़ी देर। सेट होने के बाद में जो हमारा छोटा वाला रिंग था 8 इंच का, हम उसे इस तरह से फिक्स करेंगे। और उसके बाद जो बड़ा रिंग था 12 इंच का उसे फिक्स करेंगे। तो आप इस तरह से पहले इसे सेट कर दीजिए, उसके बाद आप इसे किसी भी थ्रेड की हेल्प से इसे बांध लीजिए ताकि ये फिसले ना, और उसके बाद आप ग्लू गन की हेल्प से इसे चिपका लीजिए। सेट होने के बाद में ये स्ट्रॉन्ग बन गया है काफ़ी, और अब आप इस पर हमारे दूसरे स्क्रूअर्स भी लगा सकते हैं। तो सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें 1 by 1 सभी स्क्रूअर्स को इसी तरह से लगाना है, और आपको ध्यान रखना है कि इन्हें रिंग के बाहर ही रखना है। ये देखिए, मैंने सारे स्क्रूअर्स को लगा दिया है और इसका शेप भी एकदम परफेक्ट आया है। अब हम इसे स्प्रे कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक मैट ब्लैक स्प्रे पेंट लिया है और इसे पूरे डिज़ाइन पर अच्छे से स्प्रे करना है और ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। ड्राई होने के बाद देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है। सो, अब हम इस पर काम करेंगे फिनिशिंग का। तो इस तरह से मैंने गोल्ड मिरर रिफ्लेक्टिव पेपर लिए हैं और इसकी जो डायमेंशन है वो 2 है 2 सेंटीमीटर विड्थ के और 1 है 4 सेंटीमीटर विड्थ के। तो हमें इस तरह से हमारे रिंग पर इस स्ट्रिप्स को लगाना है। ये थोड़ा सा प्रोडक्ट को फिनिशिंग लुक देने के लिए हैं, तो इस तरह से जो हमारी रिंग्स थी वो भी कवर हो जाएगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो देखिए, सारे स्ट्रिप्स इस पर लग गए हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से मैंने इस पर ड्रिल कर लिया है और वायर को इंसर्ट कर लिया है दोनों तरफ, एक तरफ प्लग लगाकर दूसरी तरफ होल्डर लगाया है बल्ब के लिए।
इसके साथ मैंने एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लिया है जिसे ब्लैक स्प्रे पेंट कर लिया था और मैं इसे भी इसके सेंटर पर इस तरह से स्टिक कर दूंगी। अब इसे हैंग करने के लिए आप इस तरह से हुक से प्रोविज़न बना सकते हैं। आप ये देखिए, इसे मैंने हैंग कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप भी ये DIY ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के DIY वीडियोस बनाती रहती हूँ। और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।